नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैबिट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक वॉल को विद प्लास्टरिंग कैसे बना सकते हैं। आप अलग से प्लास्टरिंग की लेयर को भी देखना चाहते हैं और वॉल की लेयर को भी देखना चाहते हैं, तो आप उस चीज को कैसे बना सकते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने नॉर्मल वॉल यहाँ पे बनाई है। मान लो यहाँ पे काफी सारी टाइप्स की वॉल है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ एक्सटीरियर वॉल है यहाँ पे, कुछ आपके पास जेनरिक वॉल है यहाँ पे और कुछ इंटीरियर वॉल है यहाँ पे। नॉर्मल 8 इंचेस जेनरिक से स्टार्ट करते हैं और 8 इंचेस मान लो मैंने जेनरिक वॉल ली और ये मैंने जेनरिक वॉल यहाँ पे बनाई। अभी इस वॉल की सिंपल एक लेयर है। मैं चाहता हूँ कि 8 इंचेस वाली वॉल टोटल मेरे को 9 इंचेस की चाहिए, तो 9 इंचेस की ये वाली चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको 1 इंचेस यहाँ पे प्लास्टरिंग हो और 1 इंच का यहाँ पे प्लास्टरिंग हो, क्लियर? या फिर आपका 0.5 इंचेस आपका यहाँ पे दोनों साइड आप प्लास्टरिंग यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाए एडिट टाइप पे, ठीक है। एडिट टाइप पे जाने के बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपने डुप्लीकेट क्रिएट की वॉल विद प्लास्टरिंग, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो आपको 9 इंचेस की चाहिए टोटल, ठीक है, या फिर 10 इंचेस की चाहिए आपको टोटल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ओके किया, तो आपके पास यहाँ पे वॉल आ जाती है। आपको करना क्या है, आप एडिट पे जाएं, प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप प्रीव्यू सेक्शन व्यू में भी देख सकते हैं और टॉप व्यू में भी देख सकते हैं। यहाँ से वॉल का टॉप व्यू से प्रीव्यू नजर आएगा, यहाँ से प्रीव्यू नजर आएगा आपका सेक्शनल व्यू से, क्लियर? मान लो मैंने टॉप किया यहाँ पे फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग। अब बेसिकली यहाँ पे है आपकी, देखो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी एक कोर बाउंड्री होती है और आपकी एक वॉल बाउंड्री होती है, तो यहाँ पे ये कोर बाउंड्री है दोनों साइड और मिडल में जो आपकी एक स्ट्रक्चरल वॉल है जो आप स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मान लो मैंने स्ट्रक्चरल वॉल की यहाँ से 7 इंचेस की, बेसिकली 7 इंचेस की 9 इंचेस की रहती है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 7 इंचेस की थी, मान लो मैं टोटल थिकनेस 9 इंचेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिडल वाली जो 7 इंचेस हो और जो प्लास्टरिंग हो 1-1 इंचेस हो, या फिर आप इसे कर सकते हो कि 8 इंचेस की और जो दोनों साइड प्लास्टरिंग हो वो 0.5 इंचेस हो, क्लियर? तो उसके लिए मैंने क्या किया, 0.8 इंचेस यहाँ पे लिया और इसको मैं यहाँ से मटेरियल यहाँ से डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका मटेरियल प्रोवाइड किया और मटेरियल में मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट या फिर मेसोनरी कोई भी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको मटेरियल बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका मटेरियल यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको मान लो मटेरियल चाहिए, मेसोनरी चाहिए, क्लिक करें मेसोनरी पे और यहाँ से आपको मान लो CMU लाइटवेट मटेरियल चाहिए, इसको आप यहाँ से लिस्ट में ऐड करें एंड ओके कर दें, तो इसका ये मटेरियल यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, क्लियर? अब है कि मेरे को चाहिए कि इस लेयर के इधर वाली साइड पे मैं बनाऊं एक प्लास्टरिंग की लेयर, तो उसके लिए मेरे को एक लेयर को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वो कोर बाउंड्री से, देखो यहाँ पे है एक्सटीरियर साइड और यहाँ पे है इंटीरियर साइड। अब एक्सटीरियर साइड पे मैं क्या करता हूँ, इसको अप कर लेता हूँ, जो कोर बाउंड्री से मेरा ऊपर की तरफ यहाँ पे आपकी एक लेयर आ जाएगी। इसको मैंने मटेरियल दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको नॉर्मली मैं जिप्सम बोर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे आप जिप्सम बोर्ड दे सकते हो, मान लो एक्सटीरियर साइड आप देना चाहते हो ब्रिक वॉल, ठीक है। तो ब्रिक वॉल के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे है मेसोनरी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉर्मल ब्रिक वॉल कोई भी, ठीक है। एंड उसके बाद इंसर्ट किया, उसके अंदर लिस्ट के अंदर यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं एंड ओके। यहाँ पे आपकी नॉर्मल ब्रिक वॉल आ चुकी है, ठीक है। एंड एक और मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इंटीरियर साइड, तो उसके लिए मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ और इस वाली लेयर को मैं बिल्कुल डाउनवर्ड ले आता हूँ, क्लियर। इसको मैं मटेरियल दे देता हूँ यहाँ से, मान लो नॉर्मल मैं इंटीरियर साइड जाता हूँ जिप्सम बोर्ड, तो उसके लिए मैं जिप्सम बोर्ड का मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया GYP जिप्सम और यहाँ पे जिप्सम वॉल बोर्ड आ जाएगा, क्लिक किया ओके, तो आपका यहाँ पे जिप्सम बोर्ड आ गया। जो मिडल वन है वो तो है आपकी स्ट्रक्चरल वॉल, क्लियर। अब जो आपकी यहाँ पे आएगी फिनिशिंग वॉल, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वॉल नहीं आएगी, स्ट्रक्चर वॉल एक ही रहेगी, तो आप यहाँ पे फंक्शन पे क्लिक करें और आप इसे बना सकते हैं फिनिश वन और यहाँ पे इसे भी फिनिश वन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे फिनिशिंग करें
और इसकी दे थिकनेस, थिकनेस मैंने दी 1/2 inches, हाफ इंचेस यहाँ पे थिकनेस, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 1/2 inches, क्लियर। तो टोटल जो हो गई आपकी तीनों को कैलकुलेट करके वो आपको टोटल थिकनेस यहाँ पे दिखाएगा कि 0 feet 9 inches की आपकी टोटल थिकनेस यहाँ पे हो चुकी है। तो आप एक बाउंड, एक लेयर आपने यहाँ पे ऐड की, एक लेयर आपने यहाँ पे ऐड की, और एक मिडल में आपकी लेयर ऐड है। तो ऐसे करके आपकी तीन लेयर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप करें ओके एंड ओके, तो आपकी एक वॉल यहाँ पे बनी है बेसिक और वॉल विद प्लास्टरिंग। तो आप अगर अब इस वॉल को बनाएंगे, अब ये वॉल इंसर्ट हो चुकी है इसमें, बट आपको वो लेयर नजर नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि आपने अभी तक जो डिटेलिंग है वो कोर्स किया हुआ है। आप इसे फाइन कर सकते हैं, फाइन करने के बाद क्या होगा कि आपको इस वॉल की टोटल थिकनेस नजर आएगी कि ये आपका एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, और यहाँ पे एक अलग पार्ट है, ठीक है। और अगर आप इसे रियलिस्टिक कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको ये नजर आएगा कि सभी लेयर्स पे किस किस टाइप का आपका मटेरियल लगा हुआ है। तो इस टाइप का आपका मटेरियल लगा है। अगर आप 3D में जाके देखते हैं इसे और यहाँ से रियलिस्टिक कर देते हैं आप इसे, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि इधर आपका ब्रिक की बोर्ड लगी है और यहाँ एक्सटीरियर पार्ट पे, और इधर आपकी जिप्सम की बोर्ड लगी है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके आप लेयर्स पे वर्क कर सकते हैं, आप अपनी वॉल्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे वॉल पे क्लिक करें, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी टाइप की अगर आप ये बनाते हैं, तो इनर पार्ट पे आपकी जिप्सम बोर्ड आएगी और एक्सटीरियर पार्ट पे आपकी ब्रिक की वॉल आएगी। क्लियर, आपने यहाँ से बनाया, क्लिक किया, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। अभी ये 8 inches की है, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे 9 inches में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे न्यू बनाई थी, जो आपकी ये वॉल विद प्लास्टिंग। तो ये आपकी देखो कुछ इस टाइप की यहाँ पे वॉल आ जाएगी। क्लियर, 3D में जाके अगर आप देखते हो तो आपका एक्सटीरियर साइड तो है आपकी जो वॉल है, और अंदर वाली साइड आपका यहाँ पे जिप्सम बोर्ड। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहते हो इसको लेयर्स में, तो आप वॉल को सिलेक्ट करो और आप यहाँ पे इसकी असेंबली को क्रिएट कर सकते हो, आप इसके पार्ट को क्रिएट कर सकते हो। आप क्लिक करें तो इससे होगा क्या, वो अलग अलग पार्ट्स में आपको दिखाएगा 3D में भी कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है, अंदर आपका ये वाला पार्ट है और बाहर आपका ये वाला पार्ट है, उसकी थिकनेस आपको यहाँ पे वो शो करेगा। क्लियर, तो ऐसे आप एक्सटीरियर और इंटीरियर पे अपनी प्लास्टरिंग को शो कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट इसमें वॉल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वॉल है, अगर मैं वॉल को यहाँ से चूज करता हूँ, तो एक वॉल है मेरी यहाँ पे जो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको, एक्सटीरियर ब्रिक एंड CMU वॉल। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो वो इस टाइप की आपकी वॉल है, इतनी लेयर्स में वो बनाई गई है। क्लियर, अगर मैं इसको क्लिक करके एडिट टाइप में जाके आपको दिखाता हूँ और एडिट पे यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो इतनी सारी लेयर्स को ऐड किया गया है कि जो एक है वो है स्ट्रक्चर वॉल, कोर बाउंड्री के ऊपर एक इसने पॉलीवुड लगाया हुआ है, एयर इंसुलेशन लगाया हुआ है, एयर लगाया हुआ है, कंक्रीट मेसोनरी लगाया हुआ है, फिर लास्ट में ब्रिक वॉल लगाया हुआ है जो फिनिशिंग के लिए है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और टोटल जो थिकनेस इसकी है 1 feet 7/8 inches के अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस है। ऐसे ही आप सभी वॉल्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी टाइप की इसने यहाँ पे लेयर्स पे वर्क किया हुआ है। अगर मैं ये वाली वॉल यहाँ पे लगाता हूँ, वॉल पे क्लिक किया, क्लियर। और भी अगर मैं वॉल दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो बहुत सारे टाइप्स की वॉल है जो अलग अलग लेयर्स पे वर्क है। अगर मैं एक्सटीरियर ये वाली वॉल दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप की है आपकी। तो टोटल थिकनेस के अकॉर्डिंग आप अपनी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो थी एक्सटीरियर की वॉल। अगर पार्टीशन वॉल आपको ऐसे चाहिए यहाँ पे, तो आप पार्टीशन वॉल यूज कर सकते हैं जितने भी साइजेस में चाहिए। मान लो आपको 5 inches की पार्टीशन वॉल चाहिए, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो इसने ये यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मिडल में तो इसने स्ट्रक्चर वॉल लगाई हुई है। अगर मैं एडिट टाइप में आपको जाके दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने यूज किया हुआ है स्ट्रक्चर वॉल और यहाँ पे जिप्सम वॉल बोर्ड, टोटल 5 inches की आपकी थिकनेस है। और आप ऐसे इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप इसका सेक्शन व्यू देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका सेक्शन व्यू भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका कि किस टाइप की आपकी वॉल्स को आप किस टाइप से यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो कैसे आप प्लास्टरिंग लगा सकते हैं,
कैसे आप अलग अलग लेयर्स पे अपने वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और भी कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल या तो फिर मैं आपको वॉल स्वीपर रेबल क्या होता है और या फिर सीलिंग आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।